हेलो फ्रेंड्स, हार्वर्ड गार्डनर एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस बात को चैलेंज करा कि इंटेलिजेंस सिर्फ दो तरह की होती है, लिंग्विस्टिक और मैथमेटिकल। उन्होंने ये माना कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जनरली सिर्फ दो तरह की इंटेलिजेंसेस को ही प्रिविलेज करता है, यानी कि अगर आप जनरली बोलें कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो उसके मायने होंगे या तो वो अच्छा बोल सकता है और लिख सकता है, या फिर वो अच्छा मैथमेटिक्स या फिजिक्स कर सकता है। पर हार्वर्ड गार्डनर ने बोला कि ऐसा नहीं होता, बच्चों की इंटेलिजेंसेस बहुत अलग अलग तरह की होती है। इनफैक्ट उन्होंने 8 इंटेलिजेंसेस की लिस्ट दी, जिसमें पहला था नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट वो लोग होते हैं जो कि एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, प्लांटेशन, प्लैनेट, यू नो, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीनरी और मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इस तरह के लोग नेचुरलिस्ट होते हैं। दोस्तों, मेरे स्कूल में एक गर्ल है एंजल, जो कि मुझे लगता है कि उसमें ये वाली इंटेलिजेंस ज़्यादा है नेचुरलिज्म की। सेकेंड इज़ लॉजिकल मैथमेटिकल, ये एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर इंटेलिजेंस है और ऑब्वियसली इस तरह के बच्चे मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में, फार्मूलाज में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और वेदांश रोहिला एक ऐसा बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस तरह की इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रोफेशंस में ही चेक होती है। और हार्वर्ड गार्डनर का मानना था कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस एक बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है जो कि सोसाइटी वैल्यू करती है। थर्ड इज़ म्यूज़िकल। दोस्तों, जिन बच्चों में म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होती है वो बहुत जल्दी रिदम्स पकड़ते हैं, उनमें ट्यून, कॉम्पोजिशन और म्यूज़िक सीखने की कैलिबर जल्दी होती है, और वो बाकी बच्चों से तुलना में जल्दी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर वोकल प्रैक्टिस को सीख सकते हैं। फोर्थ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज़ किनेस्थेटिक। इस तरह के बच्चे डांसिंग, योगा, जुम्बा या फिर किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे चलते हैं और बहुत जल्दी किसी भी स्पोर्ट्स के रूल्स को समझ जाते हैं, डांस मूव्स को मास्टर कर पाते हैं। दोस्तों, सक्षम शुक्ला इस तरह का एक बच्चा है जो कि हमारे स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन भी था। ये बाकी इंटेलिजेंसेस में शायद थोड़ा कम था, लेकिन किनेस्थेटिक में बहुत आगे था। दोस्तों, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में एक मेरी क्लास में स्टूडेंट है, वंशिका शर्मा, जो कि मुझे लगता है कि जब भी मैं उसको कुछ सिंगिंग से रिलेटेड टास्क देता हूँ तो वो बहुत खुश होकर करती है, तो मुझे अच्छा लगता है। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस उसमें है, ये मुझे लगता है। फिफ्थ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज़ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाले बच्चे, दे आर वेरी वेरी फ्लूइड विद लैंग्वेज, दे नो एग्जैक्टली द राइट वर्ड टू यूज़ इन अ गिवन सिचुएशन, एंड देर कैन राइट वेरी वेल। इफ़ यू पुट देम ऑन अ पोडियम, दे विल बी एबल टू स्पीक वेरी वेल। मैं यहाँ पर हैंड मूवमेंट्स या जेस्चर्स या एक्सप्रेशंस की बात नहीं कर रहा, मैं प्योर राइटिंग और स्पीकिंग एबिलिटी की बात कर रहा हूँ। वो ड्रामेटिक्स और रेटोरिकल एबिलिटीज़ बाद में भी इंसान सीख सकता है। लेकिन अवनी त्यागी एक स्कूल में एक गर्ल है जो कि मुझे लगता है कि शी इज़ अदरवाइज वेरी इंट्रोवर्ट, शी विल स्टिक टू हर ओन थिंग, शी विल क्वाइटली सिट इन अ कॉर्नर, बट जब भी उसको कुछ स्पीच या डिबेट लिखने को बोलो तो अक्सर उसके पास बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट होता है एंड उसके वर्ड्स एंड डिलीवरी बहुत फ्लूइड होते हैं। सो आई बिलीव दैट अवनी इज़ लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट। देन सिक्स्थ इज़ स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस यानी कि SPATIAL, हार्वर्ड गार्डनर का मानना था कि ये इंटेलिजेंस होती है कि क्या आप अपने माइंड की आँखों से किसी 3D चीज़ को इमेजिन कर सकते हो। यानी कि अगर मैं एक आर्किटेक्ट को बुलाऊं और आर्किटेक्ट को बोलूं कि यहाँ पे बाथरूम होगा, इसके पीछे एक गैलरी होगी, गैलरी के आगे स्विमिंग पूल होगा, तो वो जैसे जैसे क्लाइंट उसको बताएगा वो अपने ड्राइंग टैबलेट पे उस तरह का एक अपार्टमेंट का स्केच बना देगा, राइट? अभी बना कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने माइंड की आई से उसको 3D डायमेंशन में इमेजिन कर सकता है। तो इस तरह के लोग अक्सर ड्राइंग, क्राफ्ट, आर्किटेक्चर, इस तरह की चीज़ों में बहुत माहिर होते हैं। वो स्कल्पचरर बन सकते हैं, पेंटर्स, फोटोग्राफर्स, आर्किटेक्ट्स, एज आई सेड, इंजीनियर्स। तो इस तरह के बच्चे स्पेशली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अवनी त्यागी अगेन, ये बच्ची ना सिर्फ लिंग्विस्टिकली बहुत अच्छी है बल्कि ये ड्राइंग भी बहुत अच्छी करती है, एंड शी इज़ quite intelligent in that way, I would say. Then you have interpersonal intelligence. Is tarah ke bacche, they are very good with communication, they are very sympathetic, they are considerate towards other people's feelings, and ye bahut jaldi friendship kar lete hain aur dusron ki zaruraton ke prati bahut zyada samvedanshil hote hain. And Lakshita Singh, meri class ki monitor hai, I believe she has a lot of interpersonal intelligence. Jab bhi kisi ka birthday ho class mein, mera birthday ho, kisi bacche ka ho, to wo bahut zyada considerate है। कोई बच्चा अगर रो रहा हो, उदास हो, तो वो मुझे आके बताती है कि सर, शी इज़ क्राइंग और ही इज़ क्राइंग और ही इज़ अपसेट। तो क्लियरली इंटरपर्सनल एलिमेंट लक्षिता का बाकी बच्चों से ज़्यादा है, शी इज़ इंटरपर्सनली इंटेलिजेंट।
दोस्तों फाइनल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर इज इंट्रापर्सनल। इस तरह के लोग अक्सर काउंसलिंग करते हैं, करियर काउंसलिंग, यू नो, डाइवोर्स काउंसलिंग। इस तरह के लोग लॉयर्स भी बन सकते हैं, राइट, टीचर्स बन सकते हैं, मेडिटेटर्स, योगा टीचर्स एंड सो ऑन। दीज काइंड ऑफ पीपल नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट, हाउ दे वांट, और उनके अंदर क्या चल रहा है, उनकी क्या डिज़ायर्स हैं, उनकी क्या ड्रीम्स हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं। सो इस तरह के लोग अक्सर बहुत अच्छे राइटर्स भी होते हैं, राइट, राइटर्स, लाइफ कोचेस, स्पिरिचुअल गाइड्स, योगा इंस्ट्रक्टर्स, एंड आई बिलीव अगेन अवनी त्यागी उस चीज़ में भी बहुत माहिर है। और कहीं ना कहीं हर एक बच्चा जो सॉर्टेड रहना चाहता है, ऑर्गेनाइज रहना चाहता है और एक क्लैरिटी से अपने करियर को परस्यू करना चाहता है, उसमें इस तरह की इंटेलिजेंस होनी ही चाहिए। पर ऑब्वियसली किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम। सो फ्रेंड्स, सो दिस वॉज हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। इसने इस नोशन को चैलेंज करा कि सिर्फ एक या दो तरह की इंटेलिजेंसेस होती हैं जिनको स्कूल ज़्यादा मेजर करता है, यानी कि लिंग्विस्टिक और मैथमेटिकल। हार्वर्ड गार्डनर ने बोला 8 तरह की अलग अलग इंटेलिजेंसेस होती हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ये इन्फॉर्मेटिव था। थैंक यू वेरी मच।